हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे ओम की रिफ्लेक्शन जिंदा हो गई है और वो उसे मैनिपुलेट करके दुनिया को फ्रीज करना चाहती है। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो दिए हुए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो मूवी के शुरू में ओम हमें अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे एक टाइम पर वो स्नो क्वीन के लिए काम करता था। वो लोग गर्ड और काई नाम के दो बच्चों को पकड़कर लाते हैं, जिनके पास एक ऐसा मैजिकल मिरर था जो स्नो क्वीन को हरा सकता था। रास्ते में ओम और गर्डा के बीच दोस्ती हो जाती है और कुछ मुश्किलों का सामना करते हुए वो लोग फाइनली स्नो क्वीन के कैसल तक पहुंच जाते हैं। वहां ओम का मन बदल जाता है और वो गर्डा के साथ मिलकर स्नो क्वीन के शैतानी इरादों को फेल कर देते हैं। और में एक सेक्रेड लेक गांव पर जाकर कसम खाता है कि आगे से वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, और ऐसा करते ही लेक में उसकी परछाई जिंदा हो जाती है। पता चलता है कि ओम ट्रोल विलेज में अपनी दादी के साथ रहता है और विलेज के ही एक माइन में माइनर का काम करता है। एक दिन वो दादी के लिए कॉन्सर्ट की टिकट्स लेने जाता है, लेकिन पैसा कम होने के कारण वो लोग उसे भगा देते हैं। फिर वो बैंक से कुछ पैसे उधार लेने जाता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम्हारे घर की EMI भी बाउंस हो चुकी है और अगर जल्दी ही वो पे नहीं की तो बैंक उसके घर पर कब्जा कर लेगा। और ओम अपने दोस्त से उधार मांगने की सोचता है और तभी वो देखते हैं कि एक सोल्जर कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है। पता चलता है कि प्रिंसेस मैरीबेल का स्वयंवर होने वाला है और किंग ने सभी नाइट से पैलेस में आने को बोला है। ओम भी अपनी किस्मत आजमाने जाता है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं और बताते हैं कि बिना आर्मर के तुम अंदर नहीं जा सकते। यही वो एरोग नाम के दूसरे नाइट को देखता है जो अपनी बहादुरी के लिए पूरे विलेज में फेमस है, और ट्रोल्स को लगता है कि ये स्वयंवर वही जीतने वाला है। ओम को लगता है कि इस कॉन्टेस्ट में सभी को मौका मिलना चाहिए और वो सबके सामने एरोग को चैलेंज करता है। एरोग सोल्जर से उसे पकड़ कर लाने को बोलता है, लेकिन ओम वहाँ से भाग कर अपनी माइंड में आ जाता है। यहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि एरोग किंग का चहेता नाइट है और उसकी इंसल्ट करने की वजह से तुम्हें फायर कर दिया गया है। उदास ओम वापस अपने घर आता है और देखता है कि बैंक ने उसे नोटिस भेजा है कि कल तक उन्हें अपना घर खाली करना होगा। तभी वो मिरर में अपनी परछाई को देखता है जो कहता है कि सच बोलने वालों का यही हाल होता है और तुम चाहो तो अभी भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें गांव वालों से झूठ बोलना होगा कि स्नो क्वीन को अकेले तुम ही ने हराया है, और ऐसा करते ही प्रिंसेस के साथ साथ कैसल भी तुम्हारा हो जाएगा। ओम उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन देखता है कि उसकी दादी कॉन्सर्ट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश करता है कि इस एज में आपको कॉन्सर्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन दादी उसे बताती है कि सिंगिंग और डांसिंग से तो मेरा पुराना रिश्ता है और एक टाइम पर यहाँ का प्रिंस भी मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन किंग को हमारा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने मुझे कैसल से बाहर निकाल दिया। और मुने थोड़ा चेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दादी के हाथों वो नोटिस लग जाता है और वो पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब और मुने बताता है कि वैसे भी हमें इस घर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही हम यहाँ से कैसल में शिफ्ट होने वाले हैं। उस रात वो बहुत सोचता है और डिसाइड करता है कि अब मैं अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा, और ये सुनकर उसकी परछाई खुश हो जाती है। फिर ओम छुप कर किचन से कुछ चीजें चुराता है और हम देखते हैं कि उनकी मदद से उसने अपने लिए एक आर्मर तैयार किया है। अगले दिन वो स्वयंवर में जाता है जहाँ सोल्जर्स भी इस नए नाइट को देखकर बहुत हैरान होते हैं, और ओम पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर चला जाता है। यही हम उसकी फ्रेंड गर्डा को देखते हैं जो उसके लेटर्स को पढ़कर उससे मिलने आई है, और उसे लगता है कि शायद ओम को उनकी मदद की जरूरत है। आगे का सीन स्वयंवर का है जहाँ एरोग सबको अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। किंग ये सुनकर उसे विनर घोषित करने लगता है, लेकिन तभी ओम उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ एरोग को चैलेंज करने आया हूँ। एरोग और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और तब ओम उन्हें बताता है कि तुम लोग स्नो क्वीन को हराने वाले ट्रोल से बात कर रहे हो। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और एरोग कहता है कि हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तब ओम उन्हें अपनी झूठी कहानी सुनाता है कि कैसे वो स्नो क्वीन की गुफा में अकेले ही गया था, जहाँ पहले तो बड़ी मुश्किल से उसने उसकी स्नो शील्ड को तोड़ा, जिससे उसे खोया हुआ ये ट्रोल विलेज मिला, और फिर उसने सभी ट्रोल्स को अनफ्रीज कर दिया। एरोग को अभी भी ये सब झूठ लगता है, लेकिन किंग कहता है कि इसका फैसला तो पब्लिक ही करेगी, और वो ओम से अपनी बात डिटेल में बताने को कहता है। और मुने स्नो क्वीन के साथ हुई लड़ाई के बारे में बताता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि गर्डा और उसके दोस्त भी वहाँ आ पहुँचे हैं। किंग और बाकी लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, और तभी ओम की नज़र गर्डा पर पड़ती है जो नाराज होकर वहाँ से वापस जा रही है।
वो बाहर उससे बात करने जाता है, लेकिन गर्डा कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा सेल्फिश फ्रेंड कभी नहीं देखा और मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। तभी प्रिंसेस वहाँ आकर ओम को अपने साथ ले जाती है और वो जाकर भी गर्डा को कुछ नहीं समझा पाता। आगे वो अपनी दादी के साथ कैसल में आता है और पता चलता है कि किंग ही वो प्रिंस है जो उसकी दादी को बहुत प्यार करता था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी स्नो क्वीन का विंड मॉन्स्टर वहाँ आता है और प्रिंसेस को उठाकर अपने साथ ले जाता है। किंग ओम से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि स्नो क्वीन को तो तुमने मार डाला था और ओम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। किंग ये देखकर उदास हो जाता है और अनाउंस करता है कि अब प्रिंसेस की शादी उसी ट्रोल से होगी जो उसे स्नो क्वीन से बचा कर लाएगा। एरोग और ओम दोनों ही इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अपने कुछ सोल्जर्स लेकर निकल पड़ते हैं। यही एक सीन में हम आइस मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो स्नो कैसल को दोबारा बना रहे हैं और उन्होंने स्नो क्वीन के मैजिक मिरर को भी फिर से जोड़ लिया है। इधर रॉम गर्डा को लेटर लिखने की सोचता है कि स्नो क्वीन कहीं से वापस आ गई है और उसे गर्डा के मैजिक मिरर को यूज करने का तरीका पूछना है जो काफी टाइम से ओम के ही पास रखा था, लेकिन फिर कुछ सोच कर वो उस लेटर को फाड़ देता है। यही हम ओम की परछाई को देखते हैं जो स्नो क्वीन के मैजिक मिरर से उसे देख रहा था और पता चलता है कि ये सारा प्लान उसी ने बनाया है। वो जानता है कि स्नो क्वीन को गर्डा के मिरर ने ही हराया था और इसीलिए वो विंड मॉन्स्टर को उसे चुराने भेजता है। ओम भी जल्दी ही वापस घर आता है, लेकिन देखता है कि मिरर को किसी ने चुरा लिया है और वो गर्डा को एक बार फिर लेटर लिखता है कि मैं ब्लैक हिल पर तुमसे मिलना चाहता हूँ। यही हम देखते हैं कि गर्डा का मिरर और प्रिंसेस दोनों स्नो कैसल में ही हैं और स्नो क्वीन के मिरर से ओम पर नजर रखी जा रही है। उधर ओम एक बर्ड की मदद से वो लेटर गर्डा तक भेजता है और सोचता है कि अब बस मुझे एरोग को ठिकाने लगाना होगा। वो घायल होकर एरोग से मिलने का नाटक करता है और कहता है कि मैं अब इस काम को नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक शॉर्टकट से स्नो कैसल तक पहुंचा सकता हूं। वो एरोग से खुद पर भरोसा करने को कहता है और एरोग भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान जाता है। इधर गर्डा और उसके साथियों को वो लेटर मिलता है और वो ओम की मदद करने निकल पड़ते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये सब तो उस परछाई की चाल है जो उनके स्नो पैलेस में आने का वेट कर रहा है। आगे हम ओम को देखते हैं जो एरोग से अपना मैप वापस चुरा लेता है और गर्डा और उसके दोस्तों से मिलने निकल पड़ता है। एरोग को भी जल्दी ही उसकी चाल का पता चल जाता है और वो देखता है कि ओम तो अपने सोल्जर्स को भी छोड़ गया है। वो उन्हें भी अपने साथ चलने को बोलता है और जल्दी ही वो ब्लैक हिल्स के करीब पहुँच जाते हैं। गर्डा और उसके दोस्तों को लगता है कि ये शायद ओम का ही ग्रुप है और वो अपने शिप को इन्हीं की ओर ले जाते हैं। वहाँ वो उन्हें अपने शिप पर लोड करते हैं, जहाँ एरो गर्डा को बताता है कि ओम तो एक नंबर का धोखेबाज है और उसने झूठ बोलकर मेरी शादी भी तुड़वा दी ताकि वो ट्रोल्स विलेज का किंग बन सके। यही ब्लैक हिल पर हम ओम को देखते हैं जो गर्डा के आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि गर्डा तो एगोर और उसके साथियों के साथ वहाँ से जा रही है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं स्नो क्वीन को अकेला ही हरा लूंगा। तभी उसे अपनी परछाई की आवाज़ आती है जो कहता है कि हमें उनके शिप को रोकना ही होगा, वरना एरोग प्रिंसेस को तुमसे पहले ढूंढ लेगा और तुम्हारी दादी कभी उस कैसल में नहीं रह पाओगे। वो उसे खुद को यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है और ओम भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मान जाता है। जल्दी ही वो साया रियल दुनिया में आ जाता है और ओम पूछता है कि तुम्हें स्नो क्वीन जैसी छड़ी कहाँ से मिली है। इस पर दूसरा ओम कहता है कि स्नो क्वीन का खेल तो कब का खत्म हो चुका है और तुम मुझे स्नो किंग बुला सकते हो। फिर वो अपनी पावर से समुद्र को फ्रीज करने लगता है और ओम देखता है कि गर्डा और उसके दोस्त मुसीबत में हैं। वो स्नो किंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि स्नो किंग ने शिप को रोकने के लिए अपने विंड मॉन्स्टर को भेजा है। विंड मॉन्स्टर सामने बनी एक लहर को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो लोग एरोग के कैनन यूज करके बच निकलते हैं। इधर रॉम एक बार फिर स्नो किंग को रोकने आता है, लेकिन देखता है कि उस पर किए हर वार का असर उसी पर हो रहा है। स्नो किंग उससे कहता है कि मुझे हराना तुम्हारे बस के बाहर की बात है और वैसे भी तुम्हारे दोस्तों को मैं तुम्हारे खिलाफ कर चुका हूँ और अब वो तुम पर कभी यकीन नहीं करेंगे। ओम कहता है कि तुम तो मेरी बस एक परछाई की तरह हो, और तब स्नो किंग उसे बताता है कि वो तो मेरे रियल वर्ल्ड में आने से पहले की बात है और परछाई तो अब तुम बनने वाले हो क्योंकि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है। ओम भी ये बात नोटिस करता है और तभी वो देखता है कि स्नो किंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वो भी विंड मॉन्स्टर के अंदर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन स्नो किंग बीच में ही उसे नीचे गिरा देता है।
इधर गर्डा और उसके दोस्त भी शिप से आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही स्नो कैसल तक पहुंच जाते हैं। उधर रॉम अपने केप का यूज करता है और उसे एक पैराशूट में बदलकर गर्डा और उसके दोस्तों तक पहुंच जाता है, लेकिन देखता है कि वो उन लोगों को नजर नहीं आ रहा है। तभी स्नो किंग के मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं और गर्डा और उसके दोस्त भी उनका मुकाबला करने लगते हैं। ऑर्म उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन गायब होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता और एक एक करके उसके दोस्त फ्रीज होने लगते हैं। एरोग मौका देखकर कैसल के अंदर जाता है और अपनी रूबी की मदद से प्रिंसेस को वापस अनफ्रीज कर देता है। ऑर्म देखता है कि एक मॉन्स्टर उन्हें फ्रीज करने आ रहा है, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाता और तभी गर्डा वहां आकर उस मॉन्स्टर को नष्ट कर देती है। यही हम स्नो किंग को देखते हैं जो गर्डा से ऑर्म बनकर मिलता है और बताता है कि स्नो क्वीन ने उसका ऐसा हाल कर दिया। ऑर्म गर्डा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं देख पाती और स्नो किंग को ऑर्म समझकर गले से लगा लेती है। ऑर्म उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गर्डा भी बाकियों की तरह फ्रीज हो जाती है। ऑर्म गुस्से में स्नो किंग पर अटैक करने की सोचता है लेकिन वो अपनी स्टिक की पावर से उसे मैजिक मिरर में कैद कर देता है और कहता है कि अब से यही तुम्हारा नया घर है। आगे वो बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को एक आइस प्रिजन में डालने वाला हूँ जहाँ ये अपनी आने वाली सारी लाइफ गुजारेंगे और ये सुनकर ऑर्म को बहुत दुख होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वहाँ वो अपनी दादी का सुनाया एक गाना गाने लगता है और तभी उसे बचपन की वो बात याद आती है जब उसने घर का एक शीशा तोड़ दिया था। वो अपनी दादी से झूठ बोलने वाला था लेकिन दादी ने उसे समझाया कि सच बोलने से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। ऑर्म भी समझ जाता है कि स्नो किंग उसके झूठ से पैदा हुआ है और वो जरूरत से ज्यादा सेल्फिश हो गया था, इसीलिए उसने अपने दोस्तों की भी कद्र नहीं की। ये सोचकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो कन्फेस करता है कि मैं सच में बहुत बड़ा झूठा हूँ। रियलिटी एक्सेप्ट करते ही वो मिरर तोड़कर बाहर आ जाता है और स्नो किंग को ये देखकर बहुत हैरानी होती है। फिर और मैं के करके अपने दोस्तों को सच बताता है और देखता है कि इससे वो अनफ्रीज हो रहे हैं। स्नो किंग उसे ऐसा करने से रोकने आता है लेकिन तब तक उसके काफी सारे दोस्त आजाद हो चुके थे और वो उल्टा स्नो किंग को ही उस मिरर में कैद कर देता है जिससे उसका सारा स्पेल टूट जाता है और रोम के बाकी दोस्त भी आजाद हो जाते हैं। स्नो किंग भी धीरे धीरे वापस परछाई में बदलने लगता है जिससे ओम का रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो जाता है और तभी वो देखता है कि गर्डा और बाकी लोग गुस्से में उसी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे का सीन कैसल का है जहाँ सबको पता चल जाता है कि ओम पहले स्नो क्वीन के साथ काम करता था और ओम भी उनकी हर पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। तब किंग अपने लोगों को इशारा करता है और ओम देखता है कि किंगडम में उसके नाम का एक स्टैचू बनाया गया है। किंग उसे बताता है कि सच बोलकर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है क्योंकि लाइफ में परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता और आज हम तुम्हें भी टाउन का एक हीरो अनाउंस करते हैं। एरोग भी उससे हैंडशेक करने आता है और रोम के दोस्त भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि किंग ऑर्म की दादी को प्रपोज करता है और कहता है कि फाइनली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बैंक मैनेजर भी ऑर्म के लोन को क्लियर कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें घर से कोई नहीं निकालेगा। एंड सीन में ऑर्म गर्डा से माफी मांगता है कि आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा और गर्डा भी उसे माफ कर देती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।